नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। और दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में बीसी सखी के बारे में एक बेहतरीन अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों क्या आपको पता है कि बीसी सखी बहनें परेशानी का सामना कर रही हैं? 1000 रुपये पर कितना कमीशन मिल रहा है? माइक्रो ATM मशीन महंगी है क्या? बीसी सखी अपना प्रचार प्रसार किस तरीके से करें? ज़्यादातर बीसी सखी बहनें दिन भर में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही हैं। 75,000 रुपये पर आपको 4% ब्याज देना है? ज़्यादातर लोग संशय में हैं, ज़्यादातर लोग संदेह में हैं। तो इस सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों बीसी सखी बहनें अब क्या करें? जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आपने उस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बीसी सखी बहनों को लेके जो भी उनके हक और अधिकार की लड़ाई है, उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से फरवरी में शासनादेश आया था उसमें बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से फरवरी में शासनादेश आया था उसमें 75,000 रुपये पर कोई भी ब्याज ना लेने का प्राविधान किया गया था। जुलाई 2021 में शासनादेश आता और उसमें 4% 75,000 रुपये पर ब्याज दर के हिसाब से पैसे वापस लिए जाएंगे। दोस्तों अब 1000 रुपये पर जो प्राइवेट जनसेवा केंद्र है वहाँ पर वो लोग 10 रुपये लेते हैं ट्रांसफ़र करने पे या निकालने पे। यहाँ पर आपसे सिर्फ 1 रुपये लेने को कहा जा रहा है, तो बाकी का जो 9 रुपये आपका घाटा है वो भरपाई आप कहाँ से करेंगे? दोस्तों इन सभी चीज़ों से जो लोग भी ग्रसित हैं, जो लोग भी परेशान हैं, मेरे बीसी सखी बहनें, वो लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को जब भी आप लाइक करेंगे तो मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। इस वीडियो को आप अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। दोस्तों आपके ब्लॉक मिशन मैनेजर, आपके रीजन मैनेजर, आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इन सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे, इसलिए आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे, मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीसी सखी बहनों को 1000 रुपये पर कितना कमीशन मिलता है। दोस्तों बीसी सखी बहनों को 1000 रुपये पर मात्र 1 रुपये का कमीशन मिलता है। जब आप पैसे बैंक में जमा करने जाएंगे, जब आपके पूरे दिन की क्लोजिंग होगी, तब 4 रुपये और आपके वापस होंगे, यानी टोटल आपको 5 रुपये का कमीशन मिल रहा है, उसमें 5 रुपये आपके घाटे लग रहे हैं। दोस्तों अगर आपको 75,000 रुपये मिले हुए हैं, 75,000 रुपये में से आप लगभग 50,000 का ऑफिस सेटअप कर लिए होंगे, 25,000 रुपये ओवरड्राफ्ट के तौर पर, यानी जिस पैसे को आप अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को लेन देन कर रहे हैं, 35,000 रुपये पर, अगर 1000 रुपये पर 1 रुपये आपको कमीशन मिल रहा है तो कुल आपको 35 रुपये कमीशन एक दिन का बन रहा है। आपका बिजली का खर्चा, आपके बैंक आने जाने का खर्चा, और आप जो 8 घंटे 10 घंटे समय दे रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ आपको मिल रही है? दोस्तों बीसी सखी बहनों को लेकर जिस तरीके से वायदे किए गए थे, क्या वो सारे वायदे पूरे किए जा रहे हैं? आप खुद से आत्मचिंतन कीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बेहतरीन बनाऊंगा कि उस पर आपको क्या करना चाहिए। बाकी मैं इस वीडियो में जो समाधान बताने वाला हूँ, वो समाधान ये है कि दोस्तों सबसे पहले आप अपने चैनल को फॉलो कीजिए। आपके ऊपर ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से शिकायत कीजिए कि पार्टनर बैंक एजेंसियाँ माइक्रो ATM मशीन वापस नहीं ले रहे हैं, या फिर माइक्रो ATM मशीन हमें इस कीमत पर मिल रही है और उस माइक्रो ATM मशीन की हमें कोई पक्की रसीद बिल नहीं मिल रहा है। आगे अगर सरकार हमसे इंक्वायरी करती तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? अगर हम कहेंगे कि सर ये हमें एयरटेल पेमेंट बैंक से मिला है, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक से मिला है, या फिर आपके मणिपाल से मिला है, या फिर और भी जो 6 पार्टनर बैंक एजेंसियाँ हैं उनसे मिला हुआ है, आप अपना सबूत किस तौर पर रख पाएंगे? आप खुद से आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप खुद आप अपना निर्णय लीजिए कि आपको बीसी सखी बनकर अपने करियर को आप अच्छी जगह लगाए हैं या गलत जगह लगाए हैं। आपके पास
IIBF का प्रमाण पत्र भी, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस सर्टिफाइड हैं, आपके पास बीसी सखी का भी प्रमाण पत्र है, जो आप पूरा एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर कर पूरा एक प्रशिक्षण प्रोग्राम में उपस्थित होकर बीसी सखी का प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। तो क्या आपको बीसी सखी के जो भी फायदे मिलने वाले थे वो फायदे अभी मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर, रीजनल मिशन मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से जरूर जाके इस बात से अवगत कराइए कि सर हमें अगर अपना बैनर बनवाना है, हमारे पास कौन आएगा, हमारी ग्राम सभा का हमारे पास कौन आएगा अपना ट्रांजेक्शन करने के लिए। जैसा कि आपको पता है 58,189 ग्राम पंचायतों में कुछ ही ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है, ज़्यादातर जगह ग्राम सचिवालय का निर्माण नहीं हुआ है। तो बीसी सखी बहनें अपना ऑफिस सेटअप कहाँ करें? क्या उनके घर पर कोई लेन देन करने आएगा? आपको बैंक जाने का, आने का जो भी यात्रा भत्ता मिलने वाला था वो भी अभी अधड़ में ही पड़ा हुआ है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान कीजिए और नोट कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको ले आकर कहाँ खड़ा कर चुकी हैं। सभी बीसी सखी बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग प्रॉपर डिसिप्लिन अनुशासन का पालन करते हुए आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर, रीजनल मिशन मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास अपनी इस समस्या को अवगत कराइए। यकीन मानिए आपको वहां से कुछ न कुछ इस समस्या का समाधान मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं मैं इस तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक निवेदन है, मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।